सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम थोड़े सीरियस टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में न्यूज़ 18 की तरफ से एक न्यूज़ निकल के आती है जिसमें बताया जाता है कि पीजी में इन फ्यूचर आपको एक दो हफ्ते के अंदर बैन देखने को मिल सकता है। तो ये न्यूज़ रियल है या फेक, सो आप लोगों को इस वीडियो में पता चल जाएगी। और ज़्यादा पैनिक होने वाली बात नहीं है, ये आप लोगों का डाउट एंड तक क्लियर कर दूंगा मैं कि ये र्यूमर है या फिर रियल न्यूज़ है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले मैं आपको ये एक चीज़ बता दूँ कि जो भी मतलब वेबसाइट पे न्यूज़ आती है वो 100% मतलब कंफर्म नहीं होती, तो आप लोग इसको ज़्यादा सीरियस मत लो। और जो साइबर सिक्योरिटी टीम के तरफ से जो 3 फैक्टर्स दिए गए हैं वो भी आपको 3 फैक्टर्स मैं बताऊँगा, डिटेल में बताएंगे, और इन तीनों फैक्टर्स का BGMI से रिलेशन है तभी इन फैक्टर्स को रखा गया है। सो आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ इस चार्ट में देखो तो यहाँ पे फैक्टर यहाँ पे रखे गए हैं कि लाइक जैसे सीमा हैदर इलीगली एंटर इनटू इंडिया एज वेल एज अ टीनेजर किलिंग हिज मदर ओवर अ डिस्प्यूट रिलेटेड टू द गेम। तो इसमें सीमा हैदर की बात करी गई है, आप लोगों को ये किस्सा पता ही होगा। तो एक इंडियन बंदा था और एक पाकिस्तानी लड़की थी, तो मतलब इन दोनों का गेम मतलब अफेयर हो गया गेम से ही, और वो इलीगल तरीके से इंडिया के अंदर आ गई और ये सीन क्रिएट हो गया। बट ये BGMI से रिलेटेड नहीं है, वो PUBG मोबाइल से रिलेटेड है, बट उस बंदे की गलती मानी जाएगी, ये BGMI इससे आराम से निकल जाएगा। और दूसरा फैक्टर जब आता है हमारा कि जो एक टीनेजर था, लड़का था छोटा सा, उसने मतलब वो मेंटली टॉर्चर होगा, कुछ भी होगा, आई डोंट नो, तो उसने अपनी मदर को मतलब मार दिया। सो ये चीज़ बेकार लगती है, और इस पर भी एक दूसरा फैक्टर इन लोगों ने रखा है। और क्यों रखा है मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि काफ़ी जो छोटे बच्चे होते हैं वो मेंटली टॉर्चर हो जाते हैं गेम खेल के, इनका ऐसा मानना है। बट आप लोगों को पता ही है गेम सिर्फ 18 प्लस वालों को 6 घंटे का टाइम मिलता है, और जो 18 से नीचे होते हैं लाइक टीनेजर्स में बच्चे आते हैं उनको मतलब मेरे ख्याल से 4 घंटे के आसपास का टाइम मिलता है डे का। सो इन चीज़ से रिलेट नहीं करते, क्योंकि देखो भाई वेब सीरीज़ मूवीज़ देखने से भी बच्चों का दिमाग मतलब टॉर्चर हो जाते हैं, और ये इस बात पे ये नहीं होता कि आप लोग मतलब ब्लेम कर दो गेम के ऊपर कि गेम खेलने से ही बच्चे ऐसे हो रहे हैं। और थर्ड फैक्टर पे आते हैं, जो थर्ड फैक्टर निकल के आता है मैं आपको सिंपल कट में समझाता हूँ क्या सीन हुआ है। तो इसमें जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट साइबर सिक्योरिटी डिवीज़न है, उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारा डेटा US के अलावा और दूसरी कंट्री में जा रहा है, लाइक चाइना हो गया। सो इसी चीज़ के ऊपर BGMI बैन करा था इन लोगों ने। और आप लोगों को पता है ये क्राफ्टन ऐसा मेरे ख्याल से तो नहीं कर रहा, बट जो मीटिंग होने वाली है 1 हफ्ते के अंदर उसमें आप लोगों को सारे न्यूज़ मिल जाएंगी कि BGMI आगे मतलब अनबैन रहेगा या फिर बैन रहेगा। सो अगर BGMI ऐसा कर रहा है कुछ घोटाला, तो ऑब्वियसली बात है भाई कंट्री पहले आती है हमारी, सो बैन तो होना चाहिए अगर अभी भी हरकतों से बाज नहीं आ रहा BGMI तो। बट मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है, ये बस र्यूमर्स फैल रहे हैं, और ये र्यूमर्स जैसे ही मतलब ओवर होते हैं, मीटिंग ख़त्म होती है, आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। सो वीडियो बस इतनी रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।